Good morning, students. Yesterday, we covered the kinds of sentences in English. I discussed with you that there were some sentences related to all these types of sentences in English. And I told you that there are five types of sentences. First, assertive or declarative sentence. Second, the interrogative sentence. Third, the imperative sentence. Fourth, the exclamative sentences. And the fifth one, optative sentences. Right. We have already discussed all these sentences in detail, and I have also given the examples of all these sentences. Today, we are starting a new topic of grammar. That's the tense, which is the basic and elementary stage of learning English. Let's start with it and let's go with it and exercise all these sentences very deeply as well as minutely. बच्चों हमने कल आपके साथ बात की थी कि इंग्लिश भाषा में पांच प्रकार के वाक्य होते हैं. हमने बताया था आपको कि पहला वाक्य होता है assertive sentence या declarative sentence, जिसमें हम कुछ असर्ट करते हैं, कुछ बताते हैं, किसी स्थिति का वर्णन करते हैं. दूसरा वाक्य हमने लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कुछ पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं. और तीसरा हमने लिया था इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कुछ आदेश देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं. और चौथा हमने जो डिस्कस किया था वो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम एक सडन एक्सप्रेस करते हैं अपनी इमोशंस को, खुशी की इमोशन को या कोई दुख की इमोशन को या किसी आश्चर्य की इमोशंस को. और पांचवा प्रकार का वाक्य हमने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी विश को या प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने को या ऑलमाइटी की प्रेजेंस को हम वर्णन करते हैं. तो ऐसी स्थिति में हमने उन पांचों प्रकार के वाक्यों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था. एंड आई आल्सो गेव द एग्जांपल्स एंड सम सैंपल्स सेंटेंसेस रिलेटेड टू ऑल दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ग्रामर में, जो बिल्कुल आरंभिक स्टेज का टॉपिक होता है और जिसको ग्रामर समझने के लिए ये माना जाता है कि ये पहली सीढ़ी है और इसको जानना हर हालत में बहुत आवश्यक है. इसकी जितनी हमारी मास्टरी होगी, जितनी हम इसके बारे में परफेक्शन से इस कॉम्पिटेंसी को सीख लेंगे, उतना ही हमारी आगे का सारा जो ग्रामर का या जो लैंग्वेज का जो एडिफिस है, जो एक महल है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो बहुत बढ़िया सा हमारा बन जाएगा. सो आज हम आई हैव रिटन हियर फाइव सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड. द फर्स्ट वन इज द सन शाइन ब्राइटली. सेकेंड वन, मनी मेक्स द मेयर गो. थर्ड वन, The teacher teaches regularly. Fourth, the cat kills a rat. Fifth one, Mohan plays cricket every evening. जरा सोचिए तो, what's common here? In our first sentence, we have expressed the present situation. We have expressed the present situation. हमने वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है. In second sentence,
मनी मेक्स अ वेगो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑल्दो आई डोंट थिंक इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य मान करके चल रहे हैं, यद्यपि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मनी मेक्स द मेयर गो, जस्ट थिंक अबाउट दिस सेंटेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप इनटू इट्स मीनिंग। सेंटेंस नंबर थर्ड, द टीचर टीचेस रेगुलरली, एक ऐसा रूटीन ऑफ अ वर्क, कहीं ये रूटीन की बात करता है, पहले में हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, सेकंड में हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, थर्ड में हम किसी रूटीन की बात करते हैं, फोर्थ अ कैट किल्स अ रैट, एक हैबिट की बात करते हैं, कि जीवों की हैबिट की बात करते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हेन एवर देयर इज अ रैट एंड देयर इज अ कैट, द कैट इमीडिएटली किल्स दैट रैट, सो इट्स अ हैबिट, हैबिट ऑफ द कैट, सो इट्स अ हैबिट। Fifth one, again, it's a you can say it's a routine as well as a habit or a general course of a daily life. तो इसको हम इसको भी हम habit या routine में ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो पांच प्रकार के वाक्य हमारे पास आ रहे हैं, एक present situation को बता रहा है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है, तीसरा रूटीन को डिफाइन कर रहा है, चौथा हैबिट को डिफाइन कर रहा है, पांचवा भी रूटीन को बता रहा है। आप इमीडिएटली बताएंगे कि ये कौन सा किस प्रकार का टेंस हो सकता है, सभी कहेंगे यस सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्योंकि जब भी हम किसी वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हैं, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का वर्णन करते हैं, किसी रूटीन का वर्णन करते हैं, किसी हैबिट का वर्णन करते हैं, या किसी एक जनरल कोर्स ऑफ लाइफ का वर्णन करते हैं, तो ऐसे प्रकार की एक्सप्रेशन को हम वी एक्सप्रेस ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ऑल दीज फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली बात हमने क्या सीखी आज, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम वहां प्रयोग करते हैं जहां कोई वर्तमान स्थिति का वर्णन हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई रूटीन हो, कोई हैबिट हो। इन पांच स्थितियों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर के लिए भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, बट हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। आज हम इन्हीं पांच स्थितियों को लेकर के आपके सामने बैठ खड़े हैं। अब आप देखिए कि इसमें दूसरी चीज आप देखें कि ये तो आपने जान लिया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेयर डू वी यूज एंड व्हाई डू वी यूज टू एक्सप्रेस present situation, to express universal truth, to express the routine, to express the habit, and to express the daily course of life. So in five situations, we just make use of present indefinite tense. Do you understand? अब इसमें हम आप एक चीज आसानी से इसमें देख सकते हैं कि हमने किस चीज का कहां प्रयोग किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने तो जान लिया कि कहां लगाते हैं, दूसरी चीज हमें यह भी जान लेना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते क्या है, क्या लगाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड डू वी यूज,
हम किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए, पहले वाक्य में यह वर्ब है शाइन्स, दूसरे में मेक्स, तीसरे में टीचीज, चौथे में किल्स और पांचवे में प्लेज। इन सभी में एक कॉमन सी चीज आपको दिख रही है ना, क्या है भला ये, कि हमने, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम उसके साथ एस आई एस का प्रयोग करेंगे विद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस आई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली। सेकंड में फिर हमारे पास वही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ वर्ब हमारा मेक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने क्या लगाया है, एस का प्रयोग किया है, मेक्स। थर्ड सेंटेंस में भी हमारा, चलिए हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहां पर टीचर्स कर देते हैं और यहां पर ये, अब इसको, अब देखिए आप, एक नई चीज आपके पास आ रही है। जब ऊपर हमने देखा कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम एस सी एस का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, टीचर्स, टीचर्स। तो इस प्लूरल नंबर के साथ हम सिर्फ ओनली वी मेक यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, नो एस आर ई एस, सिर्फ पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंस में हम, आप देखते हैं कि फिर हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हम, हमने किया कि पहली फॉर्म किल के साथ एस का प्रयोग किया है, किल्स, अरेट। फिफ्थ सेंटेंस में हम मोहन, फिर अगेन हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया है जिसके साथ फिर हमने किया कि पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया है और ये बन गया प्रेज। इन सब में आपने देखा कि हमने इधर भी मेक यूज ऑफ एस और यस द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, आर वी मेक यूज ऑफ सिंपली फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। यू कैन अगेन राइट सम मोर सेंटेंसेस, सिक्स सेंटेंस, आई वर्क हार्ड, टू अचीव माई गोल इन लाइफ। इस वाक्य में क्या देखा हमने, हमारा सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हमने किया पहली फॉर्म, सिर्फ वर्क लगाई है, कोई एस आई एस नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट सेंटेंस, वी स्टडी रेगुलरली, वी स्टडी रेगुलरली। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और इसके साथ फिर हमने पहली फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, You like fruit, simple sentence। यहां हमारे पास थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है हमारा और ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी हो सकता है और उसके साथ हमने पहली फॉर्म का प्रयोग किया है। अब हमारे जो इन आठ वाक्य हैं, इनमें हमने
पहली चीज वही बात, पहली हमारा जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया है उस पे हम आए, वो है कि हम इसमें हमारी एक रूटीन की बात है, हमारे किसी की डेली कोर्स ऑफ लाइफ की बात है, किसी की लाइकिंग की बात है, हैबिट की बात है। इन सब वाक्यों में कैसे मैंने बताया था, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अ हैबिट अ रूटीन और एक्सप्रेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन और सम हैपनिंग, और इफ वी वांट टू एक्सप्रेस अवर हैबिट अवर रूटीन और सम कोर्स ऑफ अवर डेली लाइफ, इन ऑल दी सिचुएशंस वी मेक यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड थिंग, वी हैव लर्न दैट विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एज इट इज हेयर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हेयर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हेयर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हेयर, वी मेक यूज ऑफ एस आर ई एस विद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब वी मेक यूज ऑफ एस आर ई एस टू डिफाइन इट इन टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की पहली फॉर्म के साथ एस सी आई एस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, जैसे यहां है तीसरा थर्ड आपका सेंटेंस टीचर्स, या यदि फर्स्ट पर्सन हो, या यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो, या यदि सेकंड पर्सन हो, इन सब सिचुएशन में हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कहीं भी कुछ भी नहीं लगाएंगे, केवल क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। आप ये कहेंगे ये क्या नई चीज बात आ गई, कल तो आपने सिर्फ पांच प्रकार के वाक्य कहे थे, आज एक और बात कह दी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मींस जिसमें न तो न की बात है, नहीं की बात है, न किसी में प्रश्न की बात है, वो अफर्मेटिव होता है। जैसे यहां कहा गया है आई वर्क हार्ड, ये अफर्मेटिव है, इसमें सकारात्मकता है, इसमें कहीं नकारात्मकता नहीं है, कहीं नए वाली बात नहीं है। हम इसका आगे इसको डिफाइन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इन सब के साथ केवल क्रिया की पहली फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर टू, सेंटेंस नंबर फोर, सेंटेंस नंबर फाइव, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के हैं, तो इनके साथ हम क्रिया की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे हमने शाइन पहली फॉर्म है तो उसका एस लगाया है, मेक पहली फॉर्म उसके साथ एस लगाया है, किम पहली फॉर्म में उसके साथ एस लगाया है, प्ले पहली फॉर्म में इसके साथ एस लगाया है। ये एक बेसिक चीज आपके सामने आ गई इस टेंस के बारे में, दो बातें आपने सीखी, कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, कब लगाते हैं, कोई वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का वर्णन करने के लिए, किसी रूटीन का वर्णन करने के लिए, किसी हैबिट के बारे में बताने के लिए, और किसी जनरल कोर्स ऑफ डेली लाइफ के बारे में बताने के लिए। इनकी बात जब हम करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। दूसरी बात हमने सीखी, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाने की बात करते हैं तो उसमें लगाते क्या हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यहां लेट मी राइट हियर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
हम इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब जरा देखें तो आगे बढ़े हम इसी टेंस को लेकर के, यदि हम इस टेंसेस को, इन सभी सेंटेंसेस को यदि हम इनका यूज करना चाहें, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में तो कैसे करेंगे, तब हम क्या इसमें चेंज क्या करेंगे। यस, आगे बढ़े हम इसका, इसको इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम यदि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने लगे तो कैसे करेंगे, या दूसरे रूप में हमने कही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे। हम पहले वाक्य को करें, पहले तो कौन बताएगा मुझे, यस यू आर राइट, द सन Does not shine brightly. The sun does not shine brightly. Second, money does not make the mare go. Does not. Third, the teachers do not teach regularly. यार ध्यान से सुनिए इसको, कहां हमने क्या लगाया है। Fourth, the cat does not kill a rat. Fifth, Mohan does not play cricket every evening. Sixth, I do not work hard to achieve my goal in life. Seventh, we do not study regularly. Eighth, you do not like fruit. ये हमने सभी नेगेटिव बनाए हैं इसके। एक बार देखें इसके, फिर हम आपसे पूछेंगे। पहला, फर्स्ट वन, द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली, मनी डज नॉट मेक द मेयर गो, द टीचर्स डू नॉट टीच रेगुलरली, द कैट डज नॉट किल अ रैट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, आई डू नॉट वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल इन लाइफ, We do not study regularly. You do not like fruit. देखिए आप क्या अफर्मेटिव में से नेगेटिव में बनाते हुए हमने क्या किस चीज का यूज किया है। आप बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, इन सब के साथ हमने डू नॉट का प्रयोग किया है और केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। डू यू फॉलो, कि हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, ये क्या है भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको सबको पता होना चाहिए और जरूर आप जानते हैं कि हमारी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में तीन पर्सन होते हैं, थ्री पर्सन होते हैं, जिनको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है आई और प्लूरल में आता है वी। सेकंड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इनमें दोनों में आता है यू सिंगुलर प्लूरल में। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर में आता है ही शी इट या कोई एक नाम, अ बॉय, अ गर्ल, अ रूम, अ स्कूल, अ बोर्ड। तो हम इस प्रकार के जो भी ही शी इट या कोई भी एक सिंगुलर चीज जो न फर्स्ट पर्सन की हो न सेकंड पर्सन की हो, सिंगुलर हो,
वो सब की सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएंगी। सिंगुलर मीन्स एक वचन में। प्लूरल क्या होगा? दे, दीज, दोज। यहां भी हम दिस और डैट भी लिख सकते हैं। दे, दीज, दोज, या कोई प्लूरल नंबर में, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्कूल्स, बोर्ड्स, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे, ये सब प्लूरल नंबर में आ जाते हैं। तो हम जब ये बात बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, आप कई बार कई बच्चे ये इस भ्रम में होते हैं कि आई के साथ सर, मी या माई भी लिखा जा सकता है। मैं कहूँगा कि यदि आप फर्स्ट पर्सन लेना चाहते हैं तो उसमें माई को मत लगाइए, प्लूरल में लेना चाहते हैं तो उसमें आवर को मत लगाइए, क्योंकि इफ़ यू वी मेक यूज ऑफ माई आर आवर, उसके साथ हमें कोई ना कोई दूसरा सप्लीमेंट लगाना पड़ेगा और वो हो जाएगा। जैसे यदि मैं कहूँ माई सन तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। यदि मैं कहूँ माय स्कूल तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। यदि मैं कहूँ माय स्टूडेंट्स, वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बन जाएगा। तो हम इन्हीं की तरफ ध्यान करें कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू होता है। इसमें भी यदि हम योर की बात कर देंगे तो योर के साथ हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, जैसे योर फादर, योर मदर, योर बुक। जब हम ये बात करेंगे और वो सिंगुलर नंबर होगा तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। अगर हम कहेंगे योर फ्रेंड्स तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ जाएगा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है पर्सन और नंबर का, जिसके हम बार बार यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हम फिर एक बार वहीं अपने उस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो हमने अफर्मेटिव में एस ए एस लगाया था, वहां हम नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट का प्रयोग करेंगे और ये केवल फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी, कोई एस ए एस नहीं रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट कहते हैं इसको हम, ये द सन, मनी, द टीचर्स, द कैट, मोहन, आई, वी, यू, वाक्य में इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता, हिंदी में इसको कर्ता भी कहते हैं। इन सब्जेक्ट, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस सी एस लगाया था, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम तब हम इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। बस ये याद रखिए, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिचुएशन में, वहाँ हम डज नॉट और पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। डज नॉट और पहली फॉर्म, मनी डज नॉट मेक द मेयर गो, द टीचर्स, जब ये प्लूरल आ गया, अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ केवल डू नॉट, द टीचर्स डू नॉट टीच रेगुलरली, द कैट डज नॉट किल अ रैट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, आई डू नॉट वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल इन लाइफ, वी डू नॉट स्टडी रेगुलरली, यू डू नॉट लाइक फ्रूट। एक बात समझ में आई आपके? तो आपने what did you deduce out of it, क्या निकाला हमने इसमें से? हमने निकाला कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और पहली फॉर्म लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ
हम डज नॉट लगाएंगे और क्रिया की पहली फॉर्म लगाएंगे नो एस आई और ईएस. दिस इज व्हाट वी शुड लर्न एंड दैट मस्ट नेवर बी फॉल्टर्ड. बिल्कुल इसमें हमने गलती नहीं करनी. अब तीसरी चीज, पहले हमने कहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड हम कह रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. अब तीसरी बात हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम टेंस की बात करें तो सभी प्रकार के टेंस इन तीनों रूपों में आपके सामने आएं और आप अच्छे से समझ जाएं. जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने की बात करें, पहले वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, डज द सन शाइन ब्राइटली, एट द एंड वी कैन पुट एंड वी शुड पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन. डज द सन शाइन ब्राइटली, डज मनी मेक द मेयर गो, डज डू द टीचर्स टीच रेगुलरली, डज द कैट किल अ रैट, डज मोहन प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, डू आई वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल इन लाइफ, डू वी स्टडी रेगुलरली, डू यू लाइक फ्रूट, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आफ्टर ऑल दीज एट द एंड ऑफ ऑल दीज सेंटेंसेज वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ द साइन ऑफ इंटरोगेशन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे. ये था तीसरी चीज. जब हम थर्ड पर्सन हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या लगाया हमने इंट्रोगेटिव में, हमने डू डज बिगिनिंग में जोड़ दिया. और फिर एक बार आई एम रिपीटिंग इट, डज द सन शाइन ब्राइटली, डज मनी मेक द मेयर गो, डू द टीचर्स टीच रेगुलरली, डज द कैट किल अ रैट, डज मोहन प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, डू आई वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल इन लाइफ, डू वी स्टडी रेगुलरली, डू यू लाइक फ्रूट. क्लियर? आई होप यू हैव फॉलोड इट. हमने पहले भी ये चीजें की हैं, अब आरंभ में केवल एक सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर everybody of any standard. ये थे आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट. और एक और बात भाई, यदि दोनों ही बातें हो जाए, नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, तब क्या करेंगे आप? यदि इन्हीं वाक्यों को हम देखें कि चौथे रूप में नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी, तब हम कहेंगे डज द सन नॉट शाइन ब्राइटली, डज मनी Not make the mayor go. Do teachers not teach regularly? Does the cat not kill a rat? Does Mohan not play cricket every evening? Do I not work hard to achieve my goal in life? Do we not study regularly? Do you Not like fruit. इस तरह से ये चार स्टेजेस हमने देखी इन वाक्यों की. आप सब लोग ये आठ वाक्य लिख लीजिए और इन आठ सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में, आई चेक योर नोटबुक्स, आई मेक योर टीचर्स गो एंड चेक योर नोटबुक्स रेगुलरली. आप इन्हीं आठ वाक्यों को पहले अफर्मेटिव में लिख लीजिए, फिर आप इनके नेगेटिव चेंज करें. व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, चेंज इट इनटू नेगेटिव, चेंज ऑल दी सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव्स, नेक्स्ट चेंज ऑल दी सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव्स, नेक्स्ट चेंज ऑल दी सेंटेंसेज इंटू
नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव्स, आपने ये सारे वाक्य इन चार प्रकार की एक्सरसाइज में करना है। पहले अफर्मेटिव लिख लीजिए, फिर इसके आठों के नेगेटिव बनाने हैं आपने, फिर सबके इंट्रोगेटिव बनाने हैं, फिर सबके नेगेटिव बनाने हैं, और इस तरह से ये 32 सेंटेंसेस हो जाएंगे जो आज की आपकी एक्सरसाइज होगी। राइट, कल मैंने आपसे बात की थी इस तरह से, पहली बात तो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपके सामने पूरा खाका आ गया और आपको इसका पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आगे आप कभी किसी तरह से इसमें गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हमने कल भी आपसे कहा था कि हम आज आपके साथ एक लेटर लिखेंगे, आप इस लेटर का नाम लिख लीजिए, जस्ट ट्राई योरसेल्फ इन योर एक्सरसाइज बुक एंड देखें पहले आप क्या लिखते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और लिख लीजिए सभी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर एडवाइजिंग हिम टू ऑब्जर्व COVID-19 appropriate behavioral patterns and also exercise yoga to save yourself from this fatal epidemic. फिर एक बार मैं आई एम रिपीटिंग इट, ये आप लिखने की कोशिश करें। मैं आप चाहूँगा कि आपके टीचरों से बात करूँ कि वो आपके जाकर के कॉपियाँ देखें कि आपने कैसे लिखा है, ये इसको ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे ये, अब पहले अपने आप लिखेंगे, कल हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ये फ्रेंड का भी हो सकता है, यंगर ब्रदर younger sister advising him or her to observe COVID-19 appropriate behavioral pattern and also exercise yoga to save yourself COVID-19 infection. ये एक लेटर है जो आपने घर पे करना है, और कल आप इस हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप करें, कोशिश करें अपने आप लिखने की, ट्राई टू राइट दिस लेटर योर सेल्फ फर्स्ट, वी गो अहेड एंड डिस्कस ओवर इट tomorrow. Thank you.